नेपाल में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हो गया है। यहां भूस्खलन की चपेट में आने से दो बसें उफनती त्रिशूली नदी में बह गईं। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मरने वालों में भारत के भी 7 लोग शामिल हैं। राहत कर्मियों ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए पोखरा अकेडमी ऑफ हेल्थ एंड साइंस भेज दिया है। हादसे के बाद अभी कई यात्री लापता हैं, जिनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि हादसे में मृतकों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ने की आशंका है। बताया जा रहा है नेपाल में शुक्रवार सुबह करीब 3:30 बजे मदन आश्रित हाईवे पर भूस्खलन के बाद दो बसें त्रिशूली नदी में गिर गईं। इन दोनों बसों में लगभग 65 यात्री सवार थे। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने त्रिशूली नदी में बही दो बसों की घटना पर दुख जताते हुए युद्ध स्तर पर तलाशी एवं बचाव अभियान के निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है ये घटना सुबह 3:30 बजे की है। इस पूरे इलाके में जोरदार बारिश हो रही है। आलम यह है कि नेपाल से काफी पानी छोड़ा गया है, जिसका असर भारत में भी देखा जा रहा है। इस बीच हादसे को देखते हुए काठमांडू से भरतपुर तक की उड़ानों को भी रद्द कर दिया है। आपको बता दें, नेपाल में जून से ही मूसलाधार मानसूनी बारिश के चलते भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं सामने आई हैं। शुक्रवार सुबह कास्की में लैंडस्लाइड हुई, जिसकी चपेट में आकर दो यात्री बसें त्रिशूली नदी में बह गईं। हादसे के बाद सेना और पुलिस के जवानों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। पुलिस प्रवक्ता दान बहादुर कार्किनिका पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ये घटना काठमांडू से लगभग 86 किलोमीटर पश्चिम में चितवन जिले में ये दुर्घटना हुई। उन्होंने बताया कि काठमांडू से गौर जा रही बस में 41 लोग थे और बीजरंग से काठमांडू जा रही बस में 24 लोग थे। कार्की ने बताया कि राजधानी काठमांडू में 150 किलोमीटर पश्चिम में कास्की जिले में भूस्खलन से 3 घर ढह गए, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं भारी बारिश के चलते नेपाल में प्रॉपर्टी को काफी नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है 121 घर बारिश के चलते गिर गए। अब तक 1000 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। नेपाल की बारिश का असर भारत के कई इलाकों में देखा जा रहा है। जून के मध्यम से नेपाल में भूस्खलन और बाढ़ से कम 91 लोगों की मौत हो गई है।